शिवम एंड शिवम की इन्वेंशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक फ्री एनर्जी जनरेटर। और गाइज़ ये वाला जो फ्री एनर्जी जनरेटर है वो मैंने यूट्यूब पे से ही देख के सीखा है, या फिर देखने के बाद मैं इसको ट्राई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी इस वीडियो को जरूर से ही देखा होगा, जिस वीडियो का क्लिप मैंने स्टार्टिंग के टाइम में लगाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट में, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर 1,000,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक में। और ये फ्री एनर्जी के टॉपिक के ऊपर है कि अगर हम लोग दो मोटर का एक सेटअप बनाया, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम में देखा था कि दो मोटर का सेटअप बना के एंड कुछ सेकेंड्स के लिए उसके अंदर वोल्टेज देने के बाद वो इनफाइनाइट टाइम तक वो चलता ही रहता है। इस चीज़ को हम लोग ट्राई करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना। आप लोग भी मन में ये क्वायरी होगी कि ये काम करता है या नहीं करता, तो फटाफट से इसको ट्राई करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने भी सेम टू सेम वैसा ही सिस्टम बना दिया है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर दूसरे वीडियो के क्लिप में देखा, जो कि मैंने यूट्यूब पे से लिया था। कुछ इस तरीके का ये दो मोटर का सिस्टम होता है और इसके अंदर दोनों नॉर्मल डीसी मोटर्स हैं, और भले ही थोड़ी सी जंग लगी घिसी पिटी है क्योंकि अपने पास ऐसा ही था, तो ये दो नॉर्मल डीसी मोटर्स हैं और इनको मैंने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो उसके अंदर क्या दिखाया गया था उस वीडियो के अंदर कि अगर हम लोग क्या करेंगे, है एक लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट, दोनों वायर्स को मोटर के दोनों लेग्स के साथ टच करता हूँ, कुछ सेकेंड्स बाद इसको हटा लेता हूं, तो ये जो मोटर है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही रहेगी। एंड साथ ही साथ हम लोग इससे कुछ इस तरीके के बल्ब भी जला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एंड ये जलने लगेगा जैसे जब मैं इसको टच कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं, और आप लोगों ने देखा कि उस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि ये काम करता है, तो फटाफट से ही देख लेते हैं। आप लोगों के मन में भी क्वालिटी होगी और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काला काला नजर आ रहा होगा या फिर बहुत ही ज्यादा ही काला नजर आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कैसे अपने पास कुछ लाइट का सिस्टम तो है नहीं और यहाँ पे धूप का थोड़ा बहुत लाइट का जो सनलाइट आ रही है उसका थोड़ा बहुत हेरा फेरी की वजह से यहाँ पे अजीब सा बन रहा है। यहाँ पे सिचुएशन देखो, आता टाइम भैया आ गया फोकस। तो गाइस यहाँ पे देखो ये चल चुकी है हम लोग की मोटर, और के पास जिन्होंने ये वाली वीडियो बनाई थी उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको हटा दूँ इन दोनों बैटरी के वायर को तो भी ये मोटर चलता ही रहेगा। तो फटाफट से देखते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ करते गाइस, 3, 2, 1। गाइस देखो ये है सच्चाई उस वीडियो की। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने किस ट्रिक का यूज़ करा, किस तरीके का वायर पतला सा यूज़ करा जिससे वो एलईडी को ग्लो करा के दिखा रहे थे या फिर कंटिन्यू इस मोटर को चला के दिखा रहे थे। रियल के अंदर ये जो चीज़ है वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है, तो ये वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल ही फेक है। बट इस चीज़ को फेक करने से पहले मैं एक और टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कन्फर्म श्योर हो जाऊँ कि ये फेक ही है। तो वैसे यहाँ पे जो ये वाली मोटर है अपन लोगों की, तो हम लोगों को नॉर्मल मोटर दिखाया जाता है, क्या पता वो नॉर्मल मोटर ना हो, वो एक डायनेमो मोटर हो। तो वैसे इसके लिए मैंने एक और ऐसा ही सेटअप बनाया है जो कि डायनेमो मोटर का है, और ये वाला डायनेमो मोटर मैंने डिस्को लाइट के अंदर से निकाला है और इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये काफ़ी मस्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है ये डायनेमो मोटर है, आप लोगों को फ्री के अंदर मिल जाएगा अगर आप लोग उस वीडियो को देख लो अच्छी तरीके से, तो कि कहाँ से मिलता है ये, ठीक है। तो अब इसका भी वैसा ही टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी मोमेंट ऑफ ट्रूथ करते हैं, इसको भी चला के देखते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस ये चल चुका है और इसकी जो स्पीड है वो इतनी ही है, और इतनी ही स्पीड के अंदर ये अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है ये दोनों ही डायनेमो मोटर है। यहाँ पे देखो जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है कि नहीं, या फिर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है कि नहीं। इन मोमेंट ऑफ ट्रूथ इन 3, 2, 1। तो वैसे यही सच्चाई है उस वीडियो की कि ये काम नहीं करता है, ठीक है। आप लोग जाके टेस्ट करो खुद से, अगर नहीं यकीन आ रहा है मेरे पे, वैसे तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अनकट वीडियो है एकदम, मतलब कहीं पे भी कट नहीं डाला है मैंने इस बीच में, जिस बीच में मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इस तरीके की कोई भी कोई सा भी मशीन जो कि फ्री एनर्जी बनाता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, फ्री एनर्जी बनाने वाला कोई सा भी मशीन हो ही नहीं सकता है। और ये आप लोग भी याद रख लो कि कभी भी ऐसा चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बट उससे पहले एक स्पेशल जानकारी कि कैसे फ्री एनर्जी क्रिएट करने वाली चीज़ तो नहीं हो सकती है, बट ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि मतलब बिना कॉस्ट के अंदर, या फिर मतलब जिसके अंदर हम लोग खर्च ना लगाए फिर भी वो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगी, या फिर किसी तरीके का ऊर्जा जनरेट करके हम लोग को, किसी तरीके का एनर्जी जनरेट करके हम लोग को देगा। तो ऐसी डिवाइस हम लोग बनाते रहते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था और आप लोग को दिखाया भी था, उस पर 1.6K व्यूज़ अप्रॉक्स आ चुके हैं अभी तक में, जो कि मेरे चैनल की सेकेंड पॉपुलर वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो जाके। एंड ऐसे ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना।